कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। हर हफ्ते की तरह मैं नेहा राजपूत आपके सामने हाजिर हूं लेकर साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 22 जून से 28 जून तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और जानेंगे कि इस हफ्ते कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, कौन कौन से तीज त्योहार आ रहे हैं, आपकी राशि के लिए आपको कौन से वो उपाय हैं जो करने चाहिए ताकि आपका आने वाला सप्ताह और ज्यादा सुंदर बन सके। ये जानकारी जो हम आपको देंगे, इससे आपके आने वाले हफ्ते की प्लानिंग जो है उसमें काफी मदद मिलेगी, क्योंकि हम आपको विस्तार से बताएंगे कि चंद्रमा के गोचर से और बाकी ग्रहों के गोचर से आपके जीवन पर इस हफ्ते क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस जानकारी के द्वारा आप अपने करियर, प्रेम, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, आर्थिक, हर जीवन से, जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े सभी सवालों के जवाब पा सकेंगे। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरुआत करते हैं 22 जून से 28 जून तक के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे हिंदू पंचांग के बारे में। हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी 22 जून सोमवार से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 28 जून रविवार को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस सप्ताह 23 जून मंगलवार से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत होगी। जगन्नाथ रथ यात्रा की हमारे सभी पाठकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी तीज त्योहार आ रहे हैं उनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करें अगर ग्रहों के गोचर की तो इस सप्ताह चंद्रदेव ही केवल गोचर कर रहे हैं, किसी भी बड़े ग्रह का गोचर इस सप्ताह नहीं होगा। ऐसे में आपकी राशि पर केवल चंद्रदेव के गोचर का ही प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की, इस हफ्ते शेयर बाजार का हाल क्या रहेगा ये जल्दी से जान लेते हैं। इस हफ्ते की शेयर बाजार भविष्यवाणी के अनुसार सूर्यदेव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, वहीं बुध और राहु मिथुन राशि में स्थित होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सप्ताह खाद्य, तेलों, बुलियन, कपास, कपड़ा, FMCG और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी और शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिल सकता है। बाकी कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत वो जो है आपको उठा पठक जो है बाजार में देखने को मिलेगी, तो इसीलिए कुछ चीजें जो है बदल भी सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस सेगमेंट की जो आपको बहुत ही पसंद है, जन्मदिन विशेष, यानी इस हफ्ते 22 जून से 28 जून के बीच किन किन नामचीन हस्तियों का जन्मदिन आता है। सबसे पहले अगर बात करें तो हफ्ते की शुरुआत में यानी 23 जून को बॉलीवुड की मशहूर कलाकार राज बब्बर का जन्मदिन है। 25 जून को एक्टर आफताब शिवदशानी का जन्मदिन है। 25 जून को ही हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन है। 26 जून को अभिनेता अर्जुन का जन्मदिन है। तो एस्ट्रोसेज की तरफ से इन सभी कलाकारों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप इनमें से किसी के फैन हैं और आपको जो है इनकी कुंडली जाननी है तो आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जरूर विजिट करें। साथ ही इसके अलावा जो हमने आपको बोला जगन्नाथ रथ यात्रा, उसके बारे में जितने भी तीज त्योहार हैं, जितने भी गोचर होते हैं, उन सभी की जानकारी के लिए आप जो है हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर विजिट करें। कह सकते हैं ज्योतिष का एक जो है पूरा लेखा जोखा आपको वहां मिलेगा, पूरी तरीके से हर जानकारी विस्तार से वहां दी जाती है, तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। चलिए, यह तो जानकारी हो गई कॉमन जो इस हफ्ते होने वाली है। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए बात करेंगे आपकी राशि के लिए कैसा बीतने वाला है ये सप्ताह, आपकी राशि पर क्या असर देगा। ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अब जिन लोगों को अपनी मून साइन यानी चंद्र राशि नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वो है चंद्र राशि कैलकुलेटर का। उस कैलकुलेटर में सिर्फ आपको अपने सही सही बर्थ डिटेल्स डालने हैं, उसके बाद आपको अपनी चंद्र राशि पता लग जाएगी। तो अपनी चंद्र राशि पता लगाइए और अपने साप्ताहिक राशिफल का आनंद उठाइए। इस वीडियो में बात करेंगे सबसे आखिरी राशि की यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में होंगे और फिर पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपकी माँ की सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा का आपके चतुर्थ भाव में राहु के साथ युति करने से उनकी सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आप घर की मरम्मत या किसी वाहन की खरीदारी पर अपना समय और धन खर्च करते दिखाई देंगे। इस दौरान खर्चों में वृद्धि होगी जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में आपको अपनी आय और खर्चों के बीच सही तालमेल बिठाने की जरूरत होगी।
इसके बाद चंद्रमा मीन राशि के चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जातक अपने परिवार के विस्तार के लिए विचार विमर्श करते नजर आएंगे। आपके जीवन में प्रेम और रोमांस का आगमन होगा और शादीशुदा जातकों के रिश्ते में भी नयापन आएगा। वहीं छात्रों को अपना प्रदर्शन बेहतर करने का अवसर मिलेगा। मीन राशि के जातकों को इस समय अपने करियर में उन्नति की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके छठे भाव में प्रस्थान करेंगे। ये भाव आपके शत्रुओं, बाधाओं और आपके आराम को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान वाहन चलाने वाले जातकों को विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। कोर्ट कचहरी में लंबित पड़े किसी मामले का फैसला आपके पक्ष में आने की संभावना है। साथ ही जमीन आदि से भी आपको इस दौरान मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। सप्ताह का अंत आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इससे जीवन साथी की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको भी अपने विभिन्न क्षेत्रों में प्रमोशन और पदोन्नति मिलेगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो चंद्रमा की स्थिति सप्ताह के अंत में आपकी राशि के लिए विशेष अच्छी रहने वाली है। प्रेमी जातकों पर नजर डालें तो इस सप्ताह चंद्रमा की मजबूत स्थिति पंचम भाव में होने से प्रेम में पड़े जातकों के लिए बेहद भाग्यवान रहने वाली है। आपको अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। आपका प्रेमी आपका सम्मान करता दिखाई देगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते पर पड़ेगा। वहीं शादीशुदा जातकों को भी सप्ताह अच्छे फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपका जीवन साथी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकेगा। उनकी सफलता को देख आपको भी खुशी मिलेगी और आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। उपाय की बात करें तो किसी महत्वपूर्ण काम पर निकलने से पहले अपने शिक्षकों और अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो अभी बताया हमने आपको कि 22 से 28 जून के बीच का जो ये 7 दिन है, क्या उथल पुथल आपके जीवन में होने वाले हैं, किस तरीके की चीजें आपको जो है झेलनी पड़ सकती हैं, क्या वो उपाय हैं जो आप करके अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से आपको अपने हफ्ते की प्लानिंग करनी है। उम्मीद करते हैं सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के द्वारा जो है मिल गई होंगी और आपको काफी मदद भी देंगी अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने में। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन इस हफ्ते आता है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी 30 त्योहार हैं, उन 30 त्योहारों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं, जागरूक रहें। इन्हीं बातों के साथ मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।